गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 19 नवंबर और मैं आ चुका हूँ जिम। जैसे आपको पता सुबह सुबह का टाइम होता है जिम का, और इसके बाद आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली 4-5 दिन के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ। दिल्ली तो मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। और बस ठीक है, अभी हम थोड़ा सा जिम कर रहे थे और फिर इसके बाद हम मिलते हैं दिल्ली जाने के लिए। ठीक है, और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे यहाँ पे कवर करना था, इधर छठ पूजा होगी, आज शाम को शुरू होगी, कल सुबह मॉर्निंग तक है, तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, छठ पूजा नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आज चलते हैं दिल्ली। और ये देखिए जिम, अभी ये तो नहीं करूँगा जिम कितने दिन, मतलब 4-5 दिन जितने भी जाऊँगा दिल्ली में। और ठीक है, वहाँ पे दिल्ली में करेंगे जिम, फिलहाल अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा दिल्ली जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं निकल चुका हूँ जिम से और अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर, और बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए दिल्ली। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे छठ पूजा की जो तैयारी हो रही है ना, कल मैंने रात को देखा था, कल कार्निवल भी था यहाँ पे इतना, पर मैंने कवर नहीं किया, बहुत ज़्यादा शोर शराबा था इसलिए। तो चलो ठीक है, अभी फिलहाल चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं छठ पूजा की प्रिपरेशन। आज शाम को पूजा के फिर कल सुबह हो गए, तो होपफुली जैसे कल मैं पहुँच गया कल तक है छठ पूजा, अगर हुआ तो कल कैप्चर कर लूँगा मैं वहाँ पर दिल्ली में। ठीक है, तो फ्रेंड्स फाइनली मैं उस जगह पे पहुँच गया हूँ जहाँ पे पूजा होनी है, छठ पूजा की वहीं पे होनी है, जहाँ पे दुर्गा माता का पंडाल लगा था ना, और काली माता का, लक्ष्मी माता का, तो वहीं पर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सामने, वाह ये देखिए, ये लिखा छठ पूजा समिति। इन्होंने कल मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड किया था, भैया इतने मैसेजेस आ रहे हैं ना, पता मैं तो बस पूछने आया था कल कि कितने बजे स्टार्ट होनी है ये वो, और इन्होंने ऐड कर दिया ग्रुप में। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू सो मच उसके लिए भी। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये हो रही है छठ पूजा की तैयारी। अब अंदर चल के आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखो स्टेज वगैरह भी है। अरे वाह, स्टेज ये देखो ऊपर। ये स्टेज किस लिए भैया, ये स्टेज किस लिए बनाया हुआ आज छठ पूजा है? हाँ नहीं, स्टेज मतलब वो तो फिर यहाँ पे होगा ना। अरे तो होगा, अभी उसके लिए कोई भाषण देने वाला। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, श्रद्धा पूर्वक सभी भक्तों का स्वागत है, कुछ तो बोलेंगे। हाँ जी हाँ जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद। और ये देखिए अभी स्टेज, और सॉरी स्टेज कह रहे, चेयर लगी हुई है, वाह कितना अच्छा। और यहाँ पे जो ऐसे घाट बनेगा वो पता नहीं कहाँ बनेगा, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। छठ पूजा वहाँ पे सूर्य देवता, इनकी बहुत ज़रूरत है छठ पूजा में। फ्रेंड्स पीछे आप देख सकते हैं वो अंकल की फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। देखो ऑब्वियसली सबको शौक होता है यार, देखो जब बच्चे होते हैं उनको होता है, जब इंसान बड़ा हो जाता है इस स्टेज में आ जाता है, तो हम भी मतलब इस स्टेज में आने वाले हैं तो हमारा दिल भी बच्चा होता है, कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, एग्जैक्टली बच्चा है। और ये देखो वाह कितना अच्छा लग रहा है यार, मुझे कवर करना था, और पता नहीं दिल्ली में कहाँ होगा, पता नहीं कल तक ख़त्म ना हो जाए, मतलब कल लास्ट है 20th तक, बट पता नहीं फिर भी। ये देखिए पाओ सूर्य देवता जी, तुमको क्या लगता था कि हम गरीबी रहेंगे? तो फ्रेंड्स मैं हो चुका हूँ रेडी और जाने के लिए दिल्ली, और ये रहा मेरा लगेज। मज़ा आएगा, बस ट्रेन का तो मज़ा ही अलग होता है, बस अब फ्लाइट और ट्रेन में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, 6-7 रुपये का भी डिफरेंस था, लेकिन मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत मज़ेदार था। चलिए तो फ्रेंड्स बस यहाँ पर मैं बैठ गया थोड़ी देर, और अभी क्या आने वाली है, जल्दी से आ जाए फटाफट, अब जाओ टाइमली पहुँच गया, क्योंकि यहाँ से ना मुंबई बहुत दूर है, मतलब मेन जो मुंबई है अपना पुरानी मुंबई, तो यहाँ पे मैं नवी मुंबई के पास जाता हूँ। ठीक है डोंबिवली, चलो ठीक है क्या बात है, फिर अच्छे मिलते हैं बाय। और मौसम भी अच्छा लग रहा है, धूप धूप वाला मौसम है, सनी सनी, और मेरा लगेज जल्दी आ रहा है यार, टाइम से पहुँच जाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं कैब में बैठ चुका था, बस मुझे अभी थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह डलवा रहे हैं, मैंने बोला जल्दी जल्दी करो यार, देर तो हो जाएगी, हाँ मेरे टाइम भी पहुँचना है ना, 5 बजे की ट्रेन है, वैसे तो अभी कितना टाइम हुआ है, 2:45 हुआ है, कोई बात नहीं पहुँच जाएंगे, आज संडे है तो रश कम होगा। ठीक है तो चलो सीधा मिलते हैं स्टेशन पे। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी ट्रेन तेजस राजधानी, जो कि 5 बजे है और ये अभी लगी हुई है, चलो चलते हैं आगे।
तो और मुंबई से दिल्ली के लिए तेजस राजधानी में, तो आज मतलब टाइमिंग तय ही हो गया ये, मुझे लगा वहाँ का थोड़ा फ्राइडे लगेगा तो समझ आ रही है, तो चलो ठीक है मैं पहले डब्बू बना बैठ जाता हूँ फिर बाद में कॉफी करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ ट्रेन में और देखिए जो सीट है वो ऊपर वाली है, क्योंकि बुकिंग के टाइम पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने फटाफट बुक करी थी क्योंकि तत्काल मेरा वहाँ पे क्या कहते हैं ट्रैफिक हो जाता है मतलब बुकिंग के टाइम पे, इसलिए थोड़ा सा वो डाउन हो जाता है उस टाइम पर ध्यान नहीं रहा। मील मैंने अपने नॉनवेज कर दी, लेकिन अपना बर्थ जो है ना मैं भूल गया, मतलब बर्थ से मतलब कि मुझे नीचे वाला देना चाहिए होता है, नीचे का अच्छा होता है, चलो कोई बात नहीं, ऊपर बैठ जाएंगे सीट की बात है। और बस ठीक है आप चलते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा पिलो, पिलो यहाँ रख दे रहा हूँ, नंबर ये लिखा ना ये रहा 6। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 500 का डिफरेंस मतलब बात है 500 नहीं 600-700 का डिफरेंस आ रहा था, तो ये मुझे पड़ी थी 4,500 की कुछ, ठीक है। और जो प्लेन आ रहा था वो 5,000-200 रुपये पड़ती थी, लेकिन जो ट्रेन का मजा है वो तो ट्रेन का ही था, इसलिए मैंने चूज़ की अपना ये ट्रेन अच्छे लगते। चलो ठीक है बाहर थोड़ा कैप्चर करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रेन 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 का ट्रैवल तो मस्त है एकदम। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मज़ा आएगा, मतलब लेकिन ट्रेन के ट्रैवल तो मज़ेदार होता है, ऊपर से आप दिल्ली जा रहे हो अपनी बर्थ प्लेस से, मतलब मज़ा आ रहा है। तो क्या करते हैं दादा क्या आगे बढ़ते हो, और क्या इसकी जो डोर है ना मतलब आप जैसे होता है ना रस्ते में कुछ वीडियो बना देते हो तो वो सब अपने को करते हैं, पीछे इसके डोर ऐसे ऑटोमेटिक अच्छा सही है, ऐसा रिस्क हो जाता है लोग वीडियो वगैरह बना लो वीडियो बना लो। ये देखिए तो फ्रेंड्स ऊपर बैठना बड़ा वो है, मतलब ऊपर बैठने में प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर मतलब आपको कुछ विंडो सीट नहीं आना, नीचे वो विंडो है तो मुझे ऊपर बैठना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पर, बहुत था जल्दी से टिकट बुक करनी थी, उस टाइम पर सर्वर डाउन जा रहा था, फिर क्या कहते हैं लॉग ऑफ हो गया था, फिर दोबारा से लॉग इन किया था, बट टिकट अवेलेबल दिखा रहा था ऑब्वियसली, मतलब इतना सर्ज नहीं लगा था, इतना ट्रैफिक नहीं था उसमें क्योंकि सर्वर डाउन था, फिर भी ये दिवाली में था, दिवाली पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो चलो कोई बात नहीं है बस दिल्ली पहुँच जाएंगे वो बहुत बड़ी बात है, और बाकी ट्रेन के मज़े और खाना वाना आपको दिखाऊँगा। 12:12 आज बताइए रेडी के लिए, मैंने चाय और ये आपको बता सकते
बाहर का नज़ारा तो चलो ठीक है, मैं फाइनली अपना इंजॉय कर लेता हूँ। दरवाजा बंद हो जाए तो बाहर ही जाएगा। ये है वडोदरा स्टेशन। अगर है हाँ उनके पास बंद ना हो जाए, मुझे मुझे ये बंद ना हो जाए बस। थैंक यू सो मच। नहीं 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 अभी मिल जाएगा मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स मुझे ना प्लीज होगा था प्लीज मैं बोलते ना बैठने पास आता हूँ कुछ काम कर रहा हूँ मुझे दे दिया तो थैंक यू सो मच। पता मैं लंदन पता चल रहा है दरवाजे बंद हो गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये है स्टेशन बड़ोदा। तो
कर लिया है मैंने पेस्ट फाइनली। सीरियसली बहुत अजीब सा लग रहा था भाई खाना आ गया, और ऊपर से फिर थोड़ा सा नीचे जाके वॉक भी होगी और डाइजेस्ट भी कर लिया थोड़ा बहुत, तो कर ही लिया होगा। और थैंक यू सो मच अंकल को वंस अगेन और आंटी को भी, उन्होंने मुझे पेस्ट दे दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी बट थोड़ा अजीब सा लगता है यार ऐसे मतलब बिना पेस्ट के ना अपना खा पी के वो ऑफ है। चलो ठीक है अभी तो चल जाता, सुबह के लिए प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि ज़्यादा आपका वो टाइमिंग वो हो जाता ना, ज़्यादा गैप हो जाता था, उसके बाद सुबह तो ज़रूरी होता है मैंडेटरी होता है वो चीज़ है। चलो अच्छा थैंक यू सो मच अंकल आंटी दोनों।